पति से पावन बनने के लिए रघुराम और राजा राम पति पावन सीताराम बोला है तो फिर माता पिता के द्वारा हम पावन बनते हैं। हाँ जी निमित्त का नाम जोड़ दिया गया है पतित पावन सीताराम, वो निमित्त मात्र है। जैसे गीता में कहा गया है निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, करण करावन हार कौन है? 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 हाँ तो उसको थोड़ा ही भूलना चाहिए है? माना फिर ब्रह्मा को फॉलो करने के लिए बाबा बोलते और शिव बाबा को याद करने के लिए, अंतर क्या होता है? शिव बाबा को याद करने के लिए बोलते हैं या ब्रह्मा को याद करना है? याद करना और फॉलो करना दोनों में अंतर? अंतर है ना, याद उसको किया जाता है जो कुछ काम करके दिखाता है, फायदा करके दिखाता है। शिव बाबा से ज्यादा तो फायदा किसी ने किया नहीं है, ब्रह्मा ने फायदा करके दिखाया क्या? और ब्रह्मा कोई एक नहीं है, ब्रह्मा के तो पांच मुख दिखाए जाते हैं। लास्ट में पार्ट बजाने वाला ब्रह्मा कौन सा है जो प्रैक्टिकल में परिवर्तन कर देता है? वो कौन सा मुख है? इसलिए कहते हैं पतित पावन, पहला नाम सीता का है। और तीन लिंग साथ में कॉमन दिखाते हैं, वो लिंग का नाम मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर अकेला नहीं आता है, शिव बाबा तीन मूर्तियों के साथ आता है। है बीच लिंग पे दो आत्मा जो मुख दिखाई देते हैं ना? कहाँ दिखाई देते हैं? लिंग के ऊपर दो मुख दिखाई देते हैं, चौमुखी लिंग भी दिखाते हैं, चार मुख वाला लिंग, पंचमुखी भी दिखाते हैं, तीन मुख भी दिखाते हैं, पीछे वाला मुख दिखाई नहीं पड़ता है। आप पूछना क्या चाहते हैं? मतलब ये सही है ना बाबा, त्रिमूर्ति शिवा जो माता पिता जो फूल दिखाया उस ऊपर दो फूल पेश करते हैं, दतुर का फूल ऐसा बोला ना, कहते इसमें हाँ दतुरे का फूल बैंट करते हैं तो वैसा मतलब वो क्या है जो अपने को अर्पण कर देते हैं वो दर्पण बन जाते हैं, उनमें ज्ञान बैठ जाता है। जो अर्पण नहीं कर पाते हैं, अर्पण करने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, उनको बाप की मदद भी नहीं मिलती है, वो ज्ञान दर्पण नहीं बन पाते, पूरा ज्ञान भी नहीं उठा पाते और पूरी प्राप्ति भी नहीं कर पाते। अब वो चाहे धतूरे के फूल ही क्यों ना हो, गुलाब के फूल ही क्यों ना हो, बाप ये नहीं देखता है कि इन्होंने जो अर्पण किया उसकी क्या वैल्यू है। बाप तो गरीब निवाज है, गरीब का 10 रुपया और साहूकार का 10 लाख ब्याज है,
तो बाप की नजर में बराबर हो जाता है। और नंदी का सिंह पर गाय है, नंदी का सिंह पर गाय, नंदी के सिंह पर गाय, गाय नहीं पृथ्वी, पृथ्वी को गौ माता के रूप में दिखाया है, वो कामधेनु ही गौ माता है पृथ्वी, पृथ्व्याति अर्थात फैलती है, उसे कहते हैं पृथ्वी। भारत माता तो कन्या है और आदि से अंत तक कन्या ही रहती है, जिसे जगत माता कहा जाता है वो अधर कुमारी है, उसके लिए बोला है पृथ्वी। भारत तो छोटा देश था, अभी भी छोटा देश है, और जगत माता एक है, भारत माता एक है, जगत माता, तो जगत माता की गोद में तो सारे जगत की विश्वात्माएं, सब धर्म की आत्माएं खेल खेलती हैं। दिल्ली ही एक ऐसा स्थान है, ऐसी राजधानी है जिसमें सब धर्म वालों ने राज्य किया है। इसलिए इतना प्रभाव बताया कि दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार हो जाता है। और मनुष्यों ने कल्प की आयु लाखों वर्ष कर दी, भक्ति मार्ग में अब इसकी शूटिंग कैसे होती है, क्योंकि एडवांस और बेसिक वाले दोनों ही कल्प की आयु 5000 वर्ष बताते हैं। दुनिया मुख के बोल बोल को ज्यादा देखती है या प्रैक्टिकल एक्ट को ज्यादा देखती है? प्रैक्टिकल एक्ट में देखते हैं कि मुख से तो कहते हैं 5000 वर्ष, अब ये दुनिया खत्म होने वाली है, 5000 वर्ष पूरे हुए, लोगों को इतनी अकल है कि ये मुख से कहते हैं लेकिन प्रैक्टिकल एक्ट में देखा जाता है कंक्रीट के मकान बना रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, बड़े बड़े बैंक बैलेंस सजाते जाते हैं, ये हमको बेवकूफ बना रहे हैं। दुनिया की 5000 वर्ष आयु बताते हैं, इनके अंदर में कुछ और है और बाहर में कुछ और है। तो कौन कर रहे हैं भक्ति मार्ग की शूटिंग है? जिनकी कथनी और करनी में भेद है वो है भक्ति मार्ग, दुर्गति का मार्ग, और जिनकी कथनी करनी में भेद नहीं है, जैसे बाबा ने बताया है कि दुनिया विनाश होने वाली है, प्रॉपर्टी बनाने की दरकार नहीं है, मेलमानियां अटारियां बनाने की दरकार नहीं है, थोड़े समय के बाद ढेर सारे मकान खाली हो जाएंगे, अभी किराए पर चलाते रहो,
तो जिनका प्रैक्टिकल जीवन ऐसा देखने में आता है वो ज्ञान मार्ग की शूटिंग कर रहे हैं। इसके विपरीत है तो एडवांस में भी ज्ञान मार्ग की शूटिंग करने वाले नहीं, काहे की शूटिंग कर रहे हैं, भक्ति मार्ग की शूटिंग कर रहे हैं। और कौन पूछा है, चांद सूरज ग्रहण होते हैं, बंगी को दान दिया जाता है, इसका अर्थ क्या है? ग्रहण है विकारों का, संगम युग में मुख्य हीरो हीरोइन पार्टधारी हैं सूरज और चांद, रामकृष्ण की आत्माएं। ब्राह्मणों की दुनिया में पहले पहले उनको विकारों का ग्रहण दिखाते हैं, अभी अभी बताया विकारों का ग्रहण अज्ञानी को होता है या ज्ञानी को होता है? बेहद के बच्चा बुद्धि को होता है या बेहद के सगीर बुद्धि को होता है? तो ज्ञान मार्ग में सगीर बुद्धि बाप को भी दिखाया गया है रचयिता के रूप में, और रचना कृष्ण को भी दिखाया गया है। बाकी भक्त लोग ऐसे समझ लेते हैं कि सूरज और चांद दोनों को ग्रहण लगता है, इसके लिए गायन भी है भक्ति मार्ग में, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो किसको दान दें है? अरे ये दुनिया कचड़े की है या सुच्ची दुनिया है? कचड़े को साफ करने के लिए कौन आया हुआ है? है कचड़े की सफाई करने वाला कोई आया है या नहीं आया है? तो उसको दे दान तो छूटेगा। क्या दान देना है? विकारों का दान दो तो छूटेगा। अगली बात है, पार्वती माता का जन्म कहाँ हुआ है और उसके माता पिता कौन हैं? शास्त्रों में लिखा है कि हिमालय पार्वती का पिता था, हिम बर्फ को कहा जाता है, आलय घर को कहा जाता है। हिमालय अर्थात बर्फ का घर, बर्फ जाम होती है,
और गर्मी लगती है तो पिघल करके बहने लगती है पानी बनके। तो ब्रह्मा बर्फ का घर है, उसकी बुद्धि में ज्ञान जल बहता नहीं है, जाम है। जहां से पार्वती का जन्म होता है पार्वती का माता का नाम क्या? मैना। गड़ी गड़ी संशय आता है, रूठ जाती है, ना कर देती है, वो उसकी माता हो गई। ये ब्राह्मणों की दुनिया में प्रैक्टिकल की बातें हैं। शास्त्रों में जो नाम दिए हैं वो प्रैक्टिकल काम के आधार पर नाम दिए हुए हैं। सिर्फ समझने और समझाने की बात है। शास्त्र सतो प्रधान भक्ति मार्ग में बनाए गए, या जब भक्ति मार्ग तमो प्रधान बन गया तब बनाए गए है? जब सतो प्रधान थे तो शास्त्रों में सच्चाई थी, बाद में बनाने वालों के जो शिष्य हुए वो रजो प्रधान और तमो प्रधान होते गए, और उन्होंने शास्त्रों का अर्थ का अनर्थ कर दिया तो शास्त्र झूठे हो गए। भगवान आकर के शास्त्रों का सार सुनाते हैं। तो सही बात का पता चलता है कि इन बातों का रहस्य क्या है, किस समय की बातें हैं, और इनका रचने वाला कौन है। ज्ञान में चलने वाले भी ब्राह्मण बच्चे और भक्ति के कर्म कांड करने वाले भी ब्राह्मण बच्चे, संगम युग में भक्ति का और ज्ञान का दोनों का पता चलता है। तो अभी पता पड़ता है कि पार लगाने वाली पार्वती के मां बाप कौन है। ऊंची स्टेज के रहने वाले हैं या नीची स्टेज के रहने वाले हैं है? हिमालय पहाड़ ऊंचा दिखाया जाता है तो धारणा की ऊंची स्टेज है या नीची स्टेज है। स्टेज तो ऊंची है इसलिए बच्चे को महात्मा कहा जाता है, लेकिन बाप से ज्यादा ऊंची स्टेज नहीं है इसलिए हिमालय से भी ज्यादा ऊंचा स्थान कैलाश दिखाया जाता है। और किसी ने पूछा शिव ज्योति बिंदु है और
और शिव निराकार है, तो ये दो बातें अलग अलग कैसे हैं? बिंदु का नाम शिव है, कोई से पूछा जाए बिंदु की लंबाई चौड़ाई क्या होती है, कोई चीज होती है उसका आकार होता है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से नापा जाता है ना कि नहीं नापा जाता है? तो बिंदु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या? मोटे कलम से मोटा बिंदु रख दो और महीन कलम से महीन बिंदु रख दो। कहते हैं कोई कलाकार ऐसा हुआ जिसने चावल के ऊपर सारी गीता लिख मारी, तो उसका कलम कितना छोटा होगा? तो बिंदु की लंबाई चौड़ाई नहीं होती, आकार नहीं होता, छोटे से छोटा बनाया जा सकता है। अणु बम है, अणु से बनाया जाता है। कोई कोई कीटाणु ऐसे होते हैं जो एक बूंद में मशीन से सैकड़ों की तादाद में देखे जाते हैं, तो उन कीटाणुओं की आत्मा कितनी छोटी होगी? इसलिए बिंदु निराकार है। और जब शरीर में प्रवेश करता है तो निराकार होते हुए भी साकार है, और प्रवेश किस लिए करता है? आप समान बनाने के लिए। जिस मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करता है उसको आप समान बना लेता है, इसलिए वो भी निराकार कहा जाता है। वो प्रैक्टिकल रूप है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। शरीर होते हुए भी निराकारी है, निर्विकारी है, उसकी इंद्रियां विकारी है या निर्विकारी? निर्विकारी। और अहंकार का नाम इंसान नहीं है, क्या सिर्फ कहने के लिए कहते हैं आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट? सिर्फ कथनी है या प्रैक्टिकल करके भी दिखाता है? करके भी दिखाता है। तो निराकार कहो, ज्योति का बिंदु कहो, बात एक ही है। हाँ जी, जब कुंडली में कुछ भाव बताते हैं, जब भाव कुंडली में कुछ बताते हैं तो उसको समझने के दो तरीके होते हैं, एक तो शूटिंग के हिसाब से और एक लॉ ड्रामा के हिसाब से। तो कुछ बातें ऐसे शूटिंग के हिसाब से भी समझ में आती और ब्रॉड ड्रामा के हिसाब से समझ में आ जाती। जैसे जैसे कि जैसे बाबा ने एक जगह पे ये बोला था कि द्वापर युग के लिए बाबा बोल रहे थे, तो द्वापर युग की शूटिंग जैसे बताते कि 90 से 98 के बीच में बताते ना, 90 से 98 के बीच में। तो बाबा ने मुरली में एक जगह बोला कि जब द्वापर युग की बात चलती थी तो बाबा ने बोला कि द्वापर युग में इस्लाम धर्म के लोग आकर के अपना राजमार मतलब ले लेते हैं, वो लोग कब्जा जमा लेते हैं अपना। द्वापर युग में कब्जा नहीं जमाते,
द्वापर युग रजो प्रधान युग है। मुसलमानों का जब आक्रमण भारत में होता है, राज्य होता है, तब दुख होता है। द्वापर युग के अंतिम चरण में एक बार आक्रमण हुआ है मोहम्मद बिन कासिम का, उस समय वो टिक नहीं पाया। फिर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ मोहम्मद गौरी का, तब से अर्थात 1000 वर्ष से ये दुख की दुनिया शुरू होती है, कलह युग। द्वापर युग में दुख नहीं कहेंगे इतना। हाँ तो बाबा उस समय जब द्वापर युग की बात कर रहे थे तो बाबा बोलते हैं कि मतलब सूची के हिसाब से बता रहे थे कि 69 के बाद के लिए बता रहे थे। 69 के बाद? 69 के बाद क्या? ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया। हाँ, मारिका दादी के बारे में थोड़ा बता रहे थे। हाँ, तो द्वापर युग के बारे में जब बता रहे थे तो 69 के बाद का टाइम बताया। 69 के टाइम का बात बताया। सतयुग की शूटिंग में चार अवस्था हैं। क्या? चार युग हैं। हर युग चार अवस्थाओं से पसार होता है। सतयुग में कौन से वर्ण की आत्माएं हैं? 2 करोड़। उनको कौन सा वर्ण कहेंगे? हैं? सूर्यवंशी। तो जो सूर्यवंशी वर्ण की देवता कुल की आत्माएं हैं, उनकी चार अवस्थाएं दिखाई गई हैं। वो चार अवस्थाओं में से रजो प्रधान अवस्था तब शुरू होती है जब मम्मा बाबा शरीर छोड़ते हैं। जब तक मम्मा बाबा साकार में जीवित रहे तब तक रजो प्रधानता की शूटिंग नहीं हुई, रावण राजी की शूटिंग नहीं हुई। तो 66 से लेकर के 69 तक जो द्वापर युग की शुरुआत दिखाई गई है वो सतयुग के देवतावन की शूटिंग दिखाई गई है। चारों युगों की शूटिंग की बात नहीं है वहां। और हाँ जी है हैं? कोर्ट में ट्रेनिंग सिखाते और उसके हाथ में तराजू होता है और आगे आगे धरती वाली है। दिखाते हैं कि कानून अंधा होता है। क्या? कानून अंधा होता है। कानून बनाने वाले ब्राह्मणों की दुनिया में रुद्रमाला के मणके हैं या विजयमाला के मणके हैं? है? कौन है रुद्रमाला के मणके? वो रुद्रमाला के मणके जब तक विजयमाला नहीं आती है तब तक अंधे लूले काने कुबजे ये रुद्रमाला के मणके हैं। उनका मुखिया है धर्मराज। तो आज भी न्यायालय में उसकी यादगार दिखाई जाती है। स्त्री के रूप में है या पुरुष के रूप में है? स्त्री के रूप में। रुद्रमाला में स्त्री के रूप में मुख्य मणका कौन सा है? है? जगदम्बा। आंखों से बाप को देखती है या नहीं देखती है? है? देखती है? है? पहचानती है? पहचानती है, जानती है,
साथ में रहने वाली है, ऐसे नहीं कि साथ में रहने वाली नहीं है। इसलिए मुरली में बोला है मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं जानते। तो साथ रहने वाले आंखों से देखते हैं या नहीं देखते हैं? देखते हैं, फिर भी नहीं पहचानते हैं, तो आंखों पे पट्टा बंधा हुआ कहेंगे या सोजरा कहेंगे? आंखों पर जानबूझ के पट्टा बांध लेते हैं। गांधारी ने क्या किया है? जानबूझ करके पट्टा बांध लिया। ऐसे नहीं कि अंधी थी। और सन 70 में ही बाप दादा ने बाप का पार्ट के बारे में इशारा दिया था। लेकिन शरीर छोड़ते ही कृष्ण वाली आत्मा ने बाप को कैसे पहचाना? पहचाना है? ये तो इन्होंने लिखा है पहचाना। ये बात कैसे साबित होगी कि पहचाना या नहीं पहचाना है? इशारा दिया, इशारा दिया, वो दिलवाया किसने है? शिव बाप ने इशारा दिलवाया। जैसे बहुत से कवि हैं, कविता करते हैं, बहुत से फिल्म बनाने वाले फिल्म बनाते हैं, पुराने पुराने फिल्मी गीत गाते हैं और उनके रहस्य को खुद नहीं जानते। ऐसे ही ब्रह्मा की आत्मा ने गुलजार दादी के मुख से बोल तो दिया, न उसके अर्थ को खुद जाना और न कोई सुनने वाले ब्राह्मण बच्चों ने जाना। ये बात तो बाद में पता चलती है, जब सन 76 में बाप की प्रत्यक्षता होती है। बाप खुद ही आकर के, खुद खुदा ही अपनी पहचान देता है। बाप की पहचान बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। तो ये बात गलत है कि कृष्ण वाली आत्मा ने सन 70 में बाप के पार्ट को पहचान लिया। वैसे ही आगे बोला, वैसे ही 83 में जगदम्बा के सरेंडर होने के बारे में पहले से कैसे बता दिया? माना जगदम्बा का पार्ट 83 से पहले प्रत्यक्ष होता है या बाद में प्रत्यक्ष होता है? है जगत की अम्बा पहले या बाप पहले? पहले बाप होना चाहिए, बाद में जगत की अम्बा। तो सन 76 में बाप की प्रत्यक्षता और 83 में 13 होना चाहिए, ये वाक्य जब आया, 13 माने किसका? बाप का। तो 83 के बाद तक
जो अव्यक्त वाणियां चली हैं, उन अव्यक्त वाणियों को ध्यान से देखें तो सिर्फ त्रासी की अव्यक्त वाणियों में ही कन्याओं को सरेंडर होने के लिए जितना उमंग उत्साह दिया गया है उतना और किसी सन की वाणी में नहीं दिया गया। इसका राज क्या है? कि त्रासी में ही जो अव्यक्त वाणियां आई है वो कन्याओं के सरेंडर होने के बारे में विशेष उमंग उत्साह भरने वाली है। क्या कारण है? अरे कोई कारण है कि नहीं? क्योंकि 83 में ही समर्पित होने वालों की बीज रूप आत्मा समर्पित होनी होती है, जिसके लिए इतने उमंग उत्साह भरा गया वाणियों में। और बाप के पार्ट के द्वारा उनका क्लेरिफिकेशन दिया गया। जो क्लेरिफिकेशन पहले पहले जगदम्बा की समझ में आया और उसने अपने जीवन को समर्पित किया। तो ऐसे नहीं है कि 83 से पहले ही जगदम्बा का पाठ प्रत्यक्ष हो गया। ये बात भी गलत बुद्धि में बैठ गई है। शंकर के लिए बोला है मिक्स पार्ट है, मतलब मुरली शंकर के लिए जो भी बातें बोलती बताती है या मुरली में जो भी बातें शंकर के लिए आती हैं, उनमें से कोई बात कृष्ण वाली आत्मा का पार्ट, कोई बात शिव बाप का पार्ट, और कभी राम वाली आत्मा का पार्ट के लिए लागू होती है क्या? आखिर शंकर नाम क्यों पड़ा? मिक्स पार्ट के आधार पर ना। लेकिन पार्ट और पार्टधारी सिर्फ आत्मा का काम है, आत्मा का नाम है या शरीर का नाम है? नाम किसका है? शरीर का नाम है। आत्मा सिर्फ एक ही है जिसके शरीर का नाम नहीं है, वो कौन? शिव। उसकी आत्मा का ही नाम है शिव। बाकी जितने भी नाम है वो काय के ऊपर है, शरीर के ऊपर। इसलिए जो शंकर नाम है वो शंकर नामधारी शरीर किसका है? राम वाली आत्मा। इसलिए बल पार्ट तीन आत्माओं का है, तीन आत्माओं का संकरण है, लेकिन शंकर नाम एक ही शरीरधारी के ऊपर लागू होता है, तीन आत्माओं के ऊपर लागू नहीं होता। और बाबा राजा परीक्षित है, परीक्षित राजा, परीक्षित राजा, हाँ, उसने ताज पहन लिया था, है माया करने का कोई ताज सिर पे, तो उससे कोई पाप हो तो जाता था, तो एक तपेचारी के गले में मरो सर्प को डाल देता है,
तो उसमें शराब लग जाता है तो सात दिन में मर जाएंगे वो। इसका मतलब है परिस्थिति राजा है जब वो को कली उसके मुकुट में सोने में तमोगुण होता है। हाँ, कलयुग शुरू हुआ बोले। हाँ, तब वो बोले मुझे कोई रहने के लिए ठिकाना दो बोले, तो बोले आप तमोगुण होता है बोले उसमें रो। उसने देखा कली ने तो उसके मुकुट था सोने का, उसके बैठ गया वो, तो उसकी बुद्धि खराब हो गई बोले। खराब हो गई तो एक तपस्या करने वाला ऋषि था तो मरा हुआ सांप उसके गले में डाल दिया। उसके बच्चे ने देखा वो सांप को मेरे पिता के गले में किसी रहा तो वो बच्चे ने शराब दे दिया। अब टीवी की बातें सारी देखते रहेंगे या मुरली में जो बातें आती हैं, अव्यक्तवाणी में आती हैं या क्लेरिफिकेशन में जो बातें आती हैं, उनका क्लेरिफिकेशन लेंगे। भक्ति मार्ग में तो भूसा भरा पड़ा है, लेकिन भूसे में से छांट छांट के मुरली में पॉइंट बाबा देते हैं कि ये पॉइंट सच्चा, इस पर मंथन करो। ऐसे ही अव्यक्तवाणी में भी जो बातें आती हैं वो सच्ची, माता की भी बात माननी चाहिए। ऐसे ही टीचर के रूप में शिव बाबा जो भी शास्त्रों की बातें इशारा देते हैं उन पर मंथन करना चाहिए, नहीं तो भूसे में सारी बुद्धि चली जाएगी। और बाबा, आज जो पाकिस्तान भारत को दुश्मन की विवाद देख रहे हैं और ऐसे ही पाकिस्तान में लड़की की स्थापना हो गई तो उसका कोई सब हिसाब हो है। यज्ञ की स्थापना पाकिस्तान में हुई या बीजारोपण हिंदुस्तान में पड़ा है? अरे बीज का स्थापना कहाँ हुई है? पूर्वी बंगाल से रथ को पकड़ा, पूर्वी बंगाल में ज्ञान का बीजारोपण हुआ। पाकिस्तान में तो भक्ति का फाउंडेशन पड़ा, वहां क्या हुआ? कैसे भक्ति का फाउंडेशन पड़ा? साक्षात्कार हुए ब्रह्मा को, ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा। इसलिए इस्लाम धर्म की जब से शुरुआत होती है तो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ता है। वो पाकिस्तान है, नापाक स्थान नहीं है। नापाक में बाप आते हैं या पाक में आते हैं? है, नापाक में बाप आते हैं। नाम देते हैं माउंट आबू, क्या यहां दुनिया की सारी बदबू का पहाड़ आके इकट्ठा हो जाता है, वहां बाप आते हैं। पाकिस्तान में बाप नहीं आते हैं। आते हैं नहीं? राम वाली आत्मा 1942 से 1969 तक यज्ञ के बाहर थे। यज्ञ के बाहर थे अगर ऐसे कहें तो यज्ञ किसे कहा जाता है? यज्ञ माना क्या? कौन सा यज्ञ है? ज्ञान यज्ञ।
राम की आत्मा के चले जाने के बाद ज्ञान यज्ञ रहता है, है? ज्ञान माने पहचान, पहचान यज्ञ रहता है, रहता है, है? नहीं, जब राम की आत्मा ही चली गई तो ब्रह्मा की गोद में जो भी पलने वाले हैं वो ज्ञान यज्ञ में है या ज्ञानी है, है? अज्ञानी है। इस यज्ञ का पूरा नाम क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र ही नहीं है तो ज्ञान यज्ञ है नहीं है? दीवालों को ज्ञान यज्ञ नहीं कहा जाता, मनुष्यों के हुजूम को भी ज्ञान यज्ञ नहीं कहा जाता। ज्ञान का अर्थ ही दिया है मुरली में पहचान। किसकी पहचान? बाप, रचयिता और रचना की पहचान। वो तो अभी भी बेसिक ज्ञान में किसी को नहीं है। मुरली में मुख से बोल भी दिया कि प्रजापिता का नाम डालो, ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखते हो ये रंग, क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो यज्ञ की संतान है या ज्ञान की संतान है? है? अज्ञान की संतान है। बाबा तो कहते जो इशारे से समझे सो देवता, और कहने से करे मनुष्य, और कहने से भी न करे तो अज्ञानी राक्षस हो गया। ये ज्ञान यज्ञ में रहने वाले हैं ज्ञानी हैं या ज्ञानी राक्षस हैं? तो क्या कहेंगे? 82 से 42 से लेकर के और 68 तक राम वाली आत्मा ज्ञान यज्ञ में रही या नहीं रही? है? नहीं रही। जब बीज ही नहीं रहा तो सारा वृक्ष भी नहीं रहा। सरेंडर होने के बाद कन्या माँ बाप को फोन करने के लिए मना करती है। तो भी माँ बाप उसको फोन करते हैं, क्या इसका माँ बाप के ऊपर बोझा करता है? बताओ, चढ़ता है या नहीं चढ़ता है? क्यों? माँ बाप हैं तो अपनी बच्ची को फोन नहीं कर सकते है?
अरे मर गई, जिंदा है, बीमार है, बीमार है, चिंता नहीं करनी चाहिए रचना की है? लगता है जो बोलने वाले हैं उनकी कन्या अर्पण नहीं हुई है। मुरली में बोला है माँ बाप होते हैं बच्चों के दुश्मन। क्यों बोला है? क्या ऐसा है माँ बाप बच्चों के दुश्मन होते हैं? हैं? अरे हाँ, खास करके माँ, माताओं के लिए तो खास बोला है। माता में अगर मोह का विकार खत्म हो जाए तो समझो माताएं विजयी हो गई। और अभी तक मोह पर कोई ने विजय नहीं पाई है, क्योंकि फाइनल पेपर क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अभी तो पेपर ही नहीं शुरू हुआ, तो विजय पाने की तो बात ही दूर। तो माँ बाप को मोह बहुत आता है बच्चों के ऊपर, क्योंकि देह का कनेक्शन है। लेकिन भारतीय परंपरा में एक मान्यता है कि जो चीज दान दे दी वो फिर याद भी नहीं आनी चाहिए। दान दे दिया तो दूसरे की हो गई या हमारा हक रह गया? दूसरे की हो गई। याद करना, उसे बार बार बुलाना। अर्पण इसलिए की है कि ज्ञान यज्ञ के वातावरण में जाकर के अच्छे से पढ़ाई पढ़े और जल्दी नष्ट मोहा स्मृति लब्धा बने। और हम उसे, माँ बाप उसे बार बार खींचते रहेंगे। पुरानी दुनिया की याद दिलाते रहेंगे तो बच्ची की बुद्धि खिंचेगी या नहीं खिंचेगी? खिंचेगी। इसलिए ये भी सूक्ष्म में पाप बन जाता है।